अंबेडकर चौक में पिछले 130 दिन से ये आज जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज एसोसिएशन कश्मीर के जो यहाँ पर लीजिए, क्या बात है, क्या बात है। हमारे यहाँ शुरू करते ही ये तो करिश्मा हो गया, रविंदर रैना जी यहाँ पहुँच गए हैं। क्या बात है, हमें तो पता ही नहीं था कि रविंदर रैना जी यहाँ पहुँचने वाले हैं। बहुत बढ़िया, क्या बात है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी की चरणों में यहाँ पर हाजिरी लगाते हुए, और इस समय हम आपको यहाँ के लाइव दृश्य दैनिक शुभ टाइम के माध्यम से बता रहे हैं। रविंदर रैना जी इन सब के बीच में पहुंचते हुए, क्या बात है, रविंदर रैना जी भी बैठते हुए, एक लीडर की क्वालिटी ये होती है जनता के साथ वैसा ही हो जाए। और इस समय हमने शुरू ही किया, अभी हमें पता भी नहीं था, काफी 130 दिन से इंतजार कर रहे थे कब रविंदर रैना जी या कोई अन्य नेता यहाँ पर आए इनकी सुध ले। पर अल्टीमेटली आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी इनके बीच पहुँच ही गए। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के यहाँ इस चौक में यहाँ बैठे हुए मेरे भाइयों बहनों, पिछले 130 दिनों से आप जो अपनी जस्टिफाइड मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, आपके तमाम मसाइल, आपकी सारी डिमांड्स जो हमारे विपिन जी उन्होंने यहां मेरे सामने रखी, चूंकि मैं पिछले कुछ दिनों में हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर साहब के कुछ टूर्स थे उसमें बिजी था, मैं आपके बीच में नहीं पहुंच सका। और कल परसों जब मैंने देखा हमारी एक बहन अंजना जी बोल रहे थे, तो मेरे कानों में आवाज पड़ी। मैंने कहा लाख काम छोड़ के भी हम अपनी बहन और अपने भाइयों और बहनों के पास हैं। मेरे साथियों, आप सब इस बात को बहुत अच्छे से जानते हो कि जिस रोज हमारी बहन, चाहे वो रजनी बाला जी के ऊपर आतंकी हमला हुआ, जा श्री राहुल भट्ट साहब पर हुआ, या इनके अलावा भी कश्मीर के अंदर हमारे साथियों को, भाई बहनों को कोई तकलीफ परेशानी आई और आपने हमारे नोटिस में वो चीज लाई, तो हमने उसका तुरंत हल करने की कोशिश की और समाधान हमने किया, क्योंकि हमारा फर्ज है। मुझे किसी ने कहा यहां ये जो 2,500-3,000 एम्प्लॉइज हैं, इनका मसला है। मैंने कहा 2,500-3,000 मुलाजमों का मसला नहीं है, ये मेरे भाई बहनों का मसला है। ये मसला इंसानियत के दायरे में देखने का मसला है, इसमें कोई दो राय नहीं कि इंटर डिस्ट्रिक्ट नौकरियों की जो एडवर्टीजमेंट हुई है हमारी,
आप सब की उस एक कानून एक रूल्स के तहत आपकी अपॉइंटमेंट हुई और धीरे धीरे आप लोगों ने जिस प्रकार वादिये कश्मीर में काम भी किया, बड़ी मेहनत से आपने काम किया। मुझे याद है मेरी कुछ बहनें मुझे मिलने के लिए एक बार पार्टी ऑफिस में आई थी, उन्होंने वहां का सारा काम काज किस तरीके से उन्होंने काम किया मैं ईमानदारी से बताऊं, चैलेंजिंग है, आसान काम नहीं। उसके बावजूद जो दिल में देशभक्ति का जज्बा लेके आपने काम किया वो वाकई काबिले तारीफ और सलूट करता हूं। आपको याद होगा जब श्री राहुल भट्ट साहब की हत्या हो गई और श्रीमती रजनी बालाजी के ऊपर आतंकी हमला हो गया, बीजेपी का एक डेलीगेशन ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मिला और हमने जो कश्मीर के अंदर काम कर रहे हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन हैं, जो पीएम पैकेज के तहत लगे हैं, जब श्री राहुल भट्ट साहब के ऊपर हमला हुआ और उन्हें बहुत डर और एक भय का माहौल कश्मीर के अंदर बना और जितने भी पीएम पैकेज के तहत काम करने वाले या नॉन पीएम पैकेज के तहत काम करने वाले हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन हैं, उनके मन में एक डर एक खौफ पैदा हो गया जो कि स्वाभाविक था। कोई भी होता यहां से उस हालात की नजाकत को देखते हुए उसकी इंटेंसिटी और सरकमस्टांसिस को देखते हुए जब भारतीय जनता पार्टी का एक डेलीगेशन राजभवन में गवर्नर साहब को मिला और आपको याद होगा तब विपिन जी आप या आपकी टीम का कोई सदस्य हमको नहीं मिला, लेकिन हमने गवर्नर साहब के सामने जब अपनी बात रखी कि कश्मीरी पंडित हमारे भाई बहन नौजवान बच्चे जो पीएम पैकेज में या नॉन पीएम पैकेज में कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में काम करते हैं उनके सिक्योरिटी कंसर्न्स हल होने चाहिए, उनको एतमाद में लेके ट्रस्ट में लेके कॉन्फिडेंस में लेके हमको काम करना है। वहीं मैंने फौरन ये भी कहा जो हमारे जम्मू के ऑल रिजर्व्ड कैटेगरीज से बिलोंग रखने वाले हमारे भाई बहन हैं उनका भी हमको पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। और जब मैंने गवर्नर हाउस के बाहर आकर सारे मीडिया को खिताब किया कि कश्मीर में जो खासकर हमारे भाई बहन हैं जो एससी कम्युनिटी से वाबस्ता है और इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट के तहत कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में लगे हैं या एएलसी के लोग भी लगे हैं, आरबीए के लोग लगे हैं, एसटी के लोग लगे हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के ओपन मेरिट के भी हैं, इन सब का ख्याल रखना हमारा काम। और मैंने एलजी साहब के सामने उनके नोटिस में ये सारी बातें लाई। उसके फौरन बाद विपिन जी और इनके साथ 10-12 इनके सारे कार्यकर्ता जो आपने साथी मुलाजम हैं बहने हैं हमारी वो सब मुझे मिले। हमने एक नोट बनाया, मैं फिर से
लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के दरबार में गया, मैंने कहा, उन्होंने कहा हम चाहे पीएम पैकेज में लगे कश्मीरी पंडित हमारे भाई बहन हो, नॉन पीएम पैकेज में लगे हो, या जो रिजर्व कैटेगरीज में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में लगे हैं जम्मू रीजन के, हम उनके जेन्युइन कंसर्न्स को हल करेंगे। इसको लेके गवर्नर साहब ने मुझे आश्वासन दिया। मेरे साथियों, कभी कभी आप लोगों को मेरी बात पर गुस्सा आता होगा, बहन हमारी ने भी थोड़ा अंजना जी ने थोड़ा गुस्सा जाहिर किया था कि रैना साहब बोलता है कोई टेक्निकल इशू है, विपिन जी ने बोला, जानते आप भी हो, लेकिन आपको भी पता है कि जो टेक्निकल इशू है वो भी कोई आसमान से नहीं गिरा है, उसमें भी बदलाव करके चीजें ठीक की जा सकती है। इसलिए जब मैं टेक्निकल इशू बोलता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मसला हम हल नहीं करेंगे। आपका मसला यकीनन हल होगा। हमारे मुल्क के ऑनरेबल होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब जब 3 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर में आए थे, उसी दौरान फिर से मेरी मुलाकात हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ हुई। इकट्ठे थे हम 3 दिन और एक फंक्शन से बाहर निकलते हुए मैंने एलजी साहब को बोला, जनाब अब मोहतरम होम मिनिस्टर साहब जब जाएंगे वापस दिल्ली और हम रजौरी पुंछ और बारामुल्ला कुपवाड़ा बांडीपुरा श्रीनगर से होते हुआ जब मैं वापस जम्मू जाऊंगा और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चौक से निकलूंगा, तो मेरे भाई बहन जो वहां बैठे हैं, जो इंतजार कर रहे हैं मेरा, मैं उनको क्या जवाब दूंगा, मुझे इसका जवाब दीजिए। और मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट की और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इस बात को माना कि इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट की जो पॉलिसी है, ये गवर्नर साहब ने भी इस बात को माना है कि उसमें बहुत सारे टेक्निकल फ्लॉज हैं जो हमको ठीक करने हैं, ये उन्होंने माना। तो इसलिए ये जो विपिन जी ने और जो हमारे वो भद्रवाह के कुलदीप जी का जो इतना खून पसीना बहा रहे हैं, या हमारे भाई बहन यहाँ हैं, आपकी ये जद्दोजहद जो है ये मत समझना कि बेकार जा रही है। एक एक आवाज आपकी, एक एक नारा आपका वो सरकार तक पहुंच रहा है और सरकार इस पर बड़ी गंभीरता से विचार कर रही है, जैसा कि मेरी बात गवर्नर साहब से हुई। साथियों, मैं चाहता हूं कि आपकी जितनी डिमांड्स हैं उनका समाधान होना चाहिए। आप सब पढ़े लिखे लोग हो, सयाने लोग हो, ठीक है, नौकरी आपको जो मिली है आपकी मेहनत के बल पर और हमारे कानून के मुताबिक आपको मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं। रूल्स रेगुलेशन जो फ्रेम किए उनमें आप फॉल करते थे, आप मेहनती हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं और आपने परफॉर्म भी किया है, लेकिन हालात ऐसे बन गए, आमने सामने गोलियां चलना शुरू हो गई, निशाने पर लिया गया,
चुन चुन कर निशाने पर लेने की कोशिशें हुई और उस वक्त आपने बुलंद आवाज अपनी बना ली और इकट्ठे हो गए। ये आपने जो किया वो बहुत सही किया। ठीक सुनिए ना, और इसीलिए आपकी जो भी डिमांड्स हैं उनका जल्द समाधान हो, जल्दी हल हो। आपकी आवाज में बुलंद आवाज बन के रविंदर रैना भी आपके साथ खड़ा। रही बात सैलरीज की, कल ईद का दिन है और चंद रोज के बाद दिवाली आ रही है और हमारी जो बहनें हैं इनका एक बड़ा पवित्र व्रत इसी महीने में आ रहा है। मैं आज ही माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब से और गवर्नर साहब से बात करता हूं और ये जो सैलरी है ये तुरंत रिलीज हो, इसके लिए अभी तुरंत इधर बैठे बैठे ये सारी बात होगी। मैं आपको विश्वास देता हूं कि आपकी एक एक डिमांड के लिए जैसे आप यहां संघर्ष कर रहे हो, रविंदर रैना भी आपके इस संघर्ष का एक साथी है और आपकी बुलंद आवाज बनकर आपके साथ खड़ा है। सर जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है आपके माध्यम से, क्योंकि आप पर विश्वास है। 130 दिन से बैठे कोई यहाँ पर पधारा नहीं, पर आप जरूर आए हैं। अब हर एक गरीब जनता की आवाज बनना। देखिए ये सारे हमारे भाई बहन हैं, कश्मीर के अंदर ये पहले काम करते थे, ऑल रिजर्व कैटेगरीज के जो हमारे जम्मू के एम्प्लॉयज हैं, चाहे हमारे एससी समाज से हैं, गद्दी सीपी हैं, एएलसी के हैं, आरबीए के हैं, वो अदर सोशल कास्ट के हैं, जितनी भी रिजर्व कैटेगरीज के हमारे भाई बहन हैं जो कश्मीर में इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट के तहत लगे, इन्होंने काम किया है 15 साल और 15 सालों में इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमको वहां से निकालो। लेकिन जब सुरक्षा के हालात वहां गड़बड़ाए गए और चुन चुन कर इनको निशाना बनाने की कोशिश की तो जिंदगी से बड़ा क्या होता है। जिंदगी से बड़ा कुछ नहीं होता है। मैंने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ऑल रिजर्व कैटेगरीज जो कश्मीर के अंदर इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट के तहत लगे हैं उनका सारा विषय पहले भी उठाया और अभी माननीय गृह मंत्री जी के टूर के दौरान भी मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की है। मैं चाहता हूं कि इस रिक्रूटमेंट पॉलिसी में यकीनन अमेंडमेंट होना चाहिए, जैसे हमारे साथी विपिन जी ने कहा कि 15 साल आखिर कोई ना कोई वे आउट निकलना चाहिए। सर कितनी देर रही बात सैलरी की, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और श्री चीफ सेक्रेटरी साहब से भी बात करके, चूंकि दीपावली का पवित्र त्योहार और हमारी बहनों का एक बड़ा व्रत श्री करवा चौथ जी का जो व्रत हमारी बहनें रखती हैं वो भी आ रहा है, तो उसके लिए यकीनन सैलरी जो है वो बहनों की भी निकलनी चाहिए तो भाइयों की भी निकलनी चाहिए। देखिए इनके लिए हमें कुर्सी पर बिठाया जाए, हम उस टेक्निकल फॉल्ट को जरूर ठीक करेंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, जब टेक्निकल फॉल्ट हम ये है कि लूप होल्स होते हैं, जब पॉलिसी बनाई गई तो उस वक्त इस प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया और बहुत बार होता है कि कानून में अमेंडमेंट्स क्यों होती हैं ना, एक कानून बन गया, बाद में जब वो कानून इंप्लीमेंट होता है उसमें अगर कोई फ्लॉस या कोई कमी पेशी होती है तो सरकारों का काम है ना, सरकारों का काम है कि उसमें अमेंडमेंट लाके
उस टेक्निकल चीजों इश्यूज को ठीक करना तो हम करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। उम्मीद लगाई है ना, क्या लगता है सर दिवाली से पहले पहले इनको तोहफा मिलने वाला? देखिए सैलरी तो दीपावली और करवा चौथ, हमारी बहनों का जो करवा चौथ का व्रत है उससे पहले निकले, ये तो पूरा मैं अभी बात करूंगा माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब से, ताकि ये व्यवधान खत्म हो। रही बात पॉलिसी नोटिफिकेशन की, मैं इसके बाद यहाँ बैठने वाला हूँ। सुनो ना, मैं अभी इनके साथ अपने साथियों के साथ बैठ के हम एक पूरी रणनीति बनाएंगे। अब जब हम आ ही गए हैं मैदान में, जब मैदान में आ गए ही गए हैं, समाधान करेंगे। थैंक यू।